हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा कॉल डिटेल के रिकॉर्डिंग। बहुत मैंने एक वीडियो बना रखी है, कॉल डिटेल अपनी ईमेल आईडी पे कैसे मंगाए। तो उस पर कमेंट आते हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं, सर ऐसे ऐसे है कि आपकी कॉल डिटेल नहीं आ पा रही है। उनको बहुत ज़्यादा उसके अंदर हार्ड देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल भी सेटअप उसके अंदर नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका, जिस तरीके से आप कॉल डिटेल बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मैं अदर वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी समझ सके। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर दिया गया है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। मगर आज मैं बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे आप किसी भी नंबर की कॉल डिटेल अपने ईमेल आईडी पे मंगाना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए, आप जान जाएंगे कैसे आप कॉल डिटेल कैसे मंगा सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पे। मैं मोहन, टेक्निकल मोहन लाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करें। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हम ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी पर डे अपलोड करते हैं जो फ्रेंड आपको लिए हेल्पफुल होती हैं। तो फ्रेंड, उसके बराबर में एक छोटा बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दें। जब भी हम कोई भी टेक्निक या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएं। तो आइए फ्रेंड, सीख लेते हैं कैसे कैसे करना होगा और किस ऐप के थ्रू हम ये कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड, इसके रिकॉर्डिंग आपको एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है कॉल हिस्ट्री मैनेजर। तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है कॉल हिस्ट्री मैनेजर। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कॉल हिस्ट्री मैनेजर ये ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, वहाँ मिल जाती है। ठीक है, नहीं मिलती है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड आपकी ऐप डाउनलोड हो जाती है तो डायरेक्ट आपको ये ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो फ्रेंड इसके अंदर अलाउ का ऑप्शन आता है, आपको ये अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करते हैं, अगेन अलाउ मांगता है, अगेन अलाउ कर देना है, फिर अगेन अलाउ मांगता है, फिर अलाउ कर देना है। जैसे ही आप 3 टाइम इसे अलाउ कर देंगे, कुछ टाइम ये लोड लेगा और लोड लेने का, हाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप इस वीडियो को देखते रहिए, जो जान जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी नंबर की कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इधर हमारे नंबर शो कर गए या टाइम शो कर गया है, जिस टाइम में हमने कॉलिंग करी है, कितने मिनट बाद पे हमने कॉलिंग करी है। यहाँ के साइड में राइट हैंड में जो हरे कलर में नज़र आ रहा है वो कॉल है। तो फ्रेंड इधर के साइड हमारे नंबर शो कर गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ऊपर आ रही है ऑल, उसके बाद आ रही है अदर, आपकी देख लीजिए सारी मैसेंजर कॉल, इनकमिंग कॉल वगैरह आ रही है, आउटगोइंग कॉल आ रही है और आपकी मिस कॉल आ रही है, सारी कॉल इसके अंदर शो कर रही है। तो फ्रेंड अब आपको करना क्या है, इसके अंदर देखिए आपको राइट हैंड में आपको लेफ्ट हैंड में आपको तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड इसमें देख लीजिए, आपको इसमें देखना है आपको बैकअप रीस्टोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बैकअप रीस्टोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये देख लीजिए फ्रेंड, आपको ध्यान से देख लेना है, बैकअप रीस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप बैकअप रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आता है, इसके अंदर देखिए ऊपर लिखा है बैकअप नाउ, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ओनली फ्रेंड इसमें आपको वन टाइम ही क्लिक करना है, अदर नहीं करना है, 2 या 3 बार आपको नहीं क्लिक करना है, ओनली एक बार ही क्लिक करना है। स्टेप स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ आपको इतना कर देना है इधर, उसके बाद डायरेक्ट आपको इधर बैक कर देना है इसे। जैसे फ्रेंड बैक करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर के ऑप्शन में आपको देखिए एक आता है सर्च का ऑप्शन और राइट हैंड में 3 बिंदु नज़र आ रही है, उसके बीच में आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इधर आ गया, देख लीजिए सक्सेसफुल जो भी है आपकी कितने से कितने बजे टाइम तक की कॉल डिटेल है आपके, या आप डन करना चाहते हैं तो आपकी जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर सेव हो जाएगी, व्यू करना चाहते हैं तो ओपन होकर आप इसे देख सकते हैं। और इन दोनों में से आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आपको करना है मेल पे क्लिक, देख लीजिए मेल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, मेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम मेल पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड देख लीजिए हमारी ईमेल आईडी मांगता है इसके अंदर, देख लीजिए हम पहले इसे मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड हमने मेल पे सिलेक्ट किया तो देख सकते हैं फ्रेंड ऊपर हमारी ईमेल आईडी शो हो गई है, इधर देख लीजिए हम अपनी ईमेल आईडी एक पर्सनल ईमेल आईडी डाल देते हैं जिस पे हमें वो
कॉल डिटेल चाहिए तो हम अपनी ईमेल आईडी इस पे इंटर कर देते हैं। तो फ्रेंड हमने इसके अंदर ईमेल आईडी इंटर कर दी है। इंटर करने के बाद फ्रेंड अब देख लियो हम इसे शेयर कर देते हैं, तो हमें इसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड, अलाउ करने के लिए बोल रहा है ओके, हम तो ओके दबा देते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं हमारी जो कॉल डिटेल है पूरी तरह सेंड हो चुकी है, तो हम इसे बैक करके देख लेते हैं हमारी ईमेल आईडी पे गई है या नहीं गई है। तो हम अपनी ईमेल पे चलते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए हम अपनी ईमेल पे आ चुके हैं। तो देख सकते हैं हमारी ईमेल पे देखिए ऊपर लगा आ रहा है, देखिए हमारे पास एक मेल आ चुकी है जो ऑप्शन नज़र आ रहा है technicalmohanlalji.in, इससे हमारे पास मेल आई है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड हमने ओपन किया तो देख सकते हैं इसके अंदर हमें नीचे आ गया, हमें डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, हमें PDF फाइल है जो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो हम इसमें को ओपन करके देखेंगे कि पूरी डिटेल आती है या नहीं आती है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारी ईमेल आईडी पे हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड हम इसे डायरेक्ट क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी जो कॉल डिटेल हमारी ईमेल आईडी पे आई है या नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इस पर हम क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए डायरेक्ट हमारी जो है पूरी की पूरी कॉल डिटेल जो है, कितने बजे हमने कॉल की है, यहाँ पर टाइम आ रहा है राइट हैंड में, उसके बाद कितना कौन सा ऑपरेटर है वो सारा कुछ आ रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहा है, जिस नाम से आपने नंबर सेव कर रखा है फर्स्ट कॉलम में आपका नाम आ रहा है, उसके बाद सीरियल नंबर आ रहा है, पूरी कॉल डिटेल आपके सामने शो कर रही है। इसी टाइप से फ्रेंड अपनी किसी की भी कॉल डिटेल आप निकालना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे जो कॉल डिटेल अभी से टोटल निकल रही हैं वो आ रही हैं, टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कितनी कॉल डिटेल निकली है, मतलब 412 नंबर या 14 नंबर की मेरे पास कॉल डिटेल निकल के बाहर आ चुकी है। इसी टाइप से फ्रेंड किसी भी कॉल डिटेल आप बिल्कुल आसान तरीके से जान सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी पे मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कैसे अपनी किसी के नंबर की भी कॉल डिटेल अपनी ईमेल आईडी पे कितनी आसान तरीके से मंगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है इसको करने में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का पूरा हल निकालने के लिए। तो फ्रेंड मिलता हूं आपको ऐसी टैक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।